So hi everyone, welcome to CUET by R247. This is Vishali, your current affairs mentor. So university ki series mein aaj hum aise university laaye hain jo aapke liye bahut useful rehne wali hai, and you know CUET UG 2022 ke liye bahut useful hai, theek hai? So we are here with the Avinashalingam Institute for Home Science and Higher Education for Women. इस यूनिवर्सिटी को देखने से पहले गुजारिश है, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, बोले तो AI फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, दैट इज अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर द होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. जानेंगे ये यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी और इसमें आप यू नो आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और साथ ही साथ CUET UG के कौन कौन से चीजें यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्या है फॉर दी पर्टिकुलर कोर्स, सारी चीजें एक बार डिटेल में फटाफट से डिस्कस करेंगे. आदि, हाय आदि, हाउ आर यू? आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड डूइंग गुड, ठीक है सब लोग. चलिए सो स्टार्ट करेंगे अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके रिव्यूज, एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो जैसे कि आप जानते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी है अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर द होम साइंस फॉर द हायर एजुकेशन फॉर द वेमेन, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ की है बेटा, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु की, और ये स्टार्ट हुई थी 1957 में बाय द अविनाशलिंगम एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि फाउंड किया था TS ने. सो ये जो यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है. यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा भारत कब आजाद हुआ था, 15th of August 1947, और ये 10 साल बाद उसके बन गई. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है. अंबिकेश कुमार बाइस, हाउ यू बेटा? मोहम्मद शोएब पठान जी, शांतनु, हाय एवरीवन. पूजा शुक्ला, हाय हाय पूजा, हाउ आर यू? सो आई, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के कि एटलीस्ट यू ज्वाइन दी सेशन, और यू नो मतलब ऐसे ही मजा आता है वन टू वे, है ना. चलिए सो आगे बढ़ेंगे, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे. तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है गाइज, ये है तमिलनाडु में, एंड यू नो दैट तमिलनाडु इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल यू नो रीजन ऑफ इंडिया, राइट. सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे हर एक चीज ऑर्गेनाइज होता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था. सो ये भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ के विनर्स रहे हैं 2022 के. साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे, ये इसका लोगो है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर दी हायर एजुकेशन फॉर वुमेन का ये पूरा का पूरा लोगो है, फॉर दी होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन का. अच्छा, थोड़ा सा इसके डिटेल बारे में हम थोड़ा प्रोसीजर वगैरह जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या है, क्या क्या सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है. देखिए सबसे पहले तो हम इसके एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे. ये इसके मेन ये जो है ये आपका मेन साइट है जो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ठीक है. अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है अंडर द एक्ट ऑफ UGC एक्ट 1956, और ये A++ ग्रेड की कैटेगरी में आता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, A++ ग्रेड है. यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी लेवल है, ठीक है. पूजा शुक्ला, बिल्कुल पूजा, यस पूजा शुक्ला, राइट. सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं CUET UG 2022, यहाँ के जो एडमिशन हैं वो भी CUET UG 2022 के उसमें यहाँ पर लिए गए. यहाँ पे वेरियस चीजें हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं, CUET UG PG एडमिशन के बारे में भी दिया हुआ है, इंजीनियरिंग एडमिशन है, MBA एडमिशन, BA, MA, बाकी जो भी है, और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है. एक चीज को यहाँ पर देखते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. तो यहाँ पर ये पूरा आपको मैं दिखाऊं, तो ये पूरा यहाँ पर गिवन है फीस स्ट्रक्चर. जैसे यहाँ पे BA इकोनॉमिक्स है, BA इंग्लिश है, फंक्शनल हिंदी है, म्यूजिक तमिल है, BSc भी है. BSc आप वेरियस यू नो स्ट्रीम्स में भी कर सकते हैं, जैसे आपका इंटीरियर डिजाइन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में है, साथ ही यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में है, आपका फूड साइंसेस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस में भी आप यहाँ पे BSc कर सकते हैं, साइकोलॉजी है, विजुअल कम्युनिकेशन है यहाँ पर, बायोकेमिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट. आप पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडन करने की कोशिश करती हूँ, बट ये हो नहीं रहा है ब्रॉडन, ठीक है, क्योंकि ये PDF फॉर्म में है. अच्छा, BCom भी है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रोफेशनल अकाउंटिंग में यहाँ पर BCom है,
बीबीए भी आप कर सकते हैं टूरिज्म में, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ पर सारी यहाँ पर गिवन हुआ है कि क्या फीस स्ट्रक्चर है। बहुत ज्यादा फीस तो नहीं है, एकदम नॉमिनल फीस है 17,985, है ना, 19,445। अगर हम बीए की बात करें तो 10,035 इसकी फीस है। बीएससी की बात करेंगे तो बीएससी की भी फीस अराउंड यहाँ पर 17,335। बीकॉम की फीस 20,025 है, बीबीए करेंगे तो 17,985। तो इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, आप आराम से पे कर सकते हो इसे, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम आगे हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे हम देख लेंगे वेरियस यू नो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी इंटीरियर डिजाइन, ठीक है, और साथ ही एमएससी पीएचडी भी इसी चीज में है। बीएससी फूड सर्विस, एमएससी पीएचडी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप बीएससी फूड साइंसेज है आपका, यू नो केमिस्ट्री, मैथ्स, और आपका बायोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, तो ये कंप्यूटर साइंस, आप इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सारे आप रेंजेस में, सारे यू नो डोमेन्स में आप यहाँ पर बीएससी वगैरह कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, आई मीन बैचलर ऑफ साइंसेज इन द वेरियस डोमेन्स, राइट। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बतानी है आपको, यस यस दिस, अच्छा ये जो है ना, ये एलिजिबिलिटी क्या है, सीयूईटी यूजी 2022 का जो आपने एग्जाम दिया है उसके बेसिस पर जो एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है, दूंगी आफ्टर द सेशन। आई मीन एक बार मैं बता लूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी यहाँ पर, अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ओके। सो यहां पर जो बीएससी है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूंगी आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ये जो आपका ये है, ये नाम है बीएससी इंटीरियर डिजाइन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें जो डोमेन लिया गया वो सिर्फ जनरल टेस्ट है, सीयूईटी में जनरल टेस्ट को कंसिडर किया गया। यहां पर एलिजिबिलिटी है कि आप प्लस टू होने चाहिए, 10+2 होने चाहिए। बीएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस में आपने सीयूटी का पेपर दिया हो, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल और रूरल डेवलपमेंट एंड सोशियोलॉजी में जनरल टेस्ट होना ही चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैट्स या कंप्यूटर साइंस में आपने यहाँ पर डोमेन रखा हो और प्लस टू होना चाहिए, प्लस टू सब में है, ट्वेल्थ आपको पास करना ही करना है, मतलब पास होना ही चाहिए। प्लस यहाँ पे जो सीयूटी यूजी का पेपर दिया है ना, उसके बेसिस पर यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दी गई है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन वेब टेक्नोलॉजी आपने इसमें दिया हो, बॉटनी में बायोलॉजी, बॉटनी एग्रीकल्चर वन ऑफ द डोमेन रखा हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में जनरल टेस्ट रहेगा। अगर आप किसी इंसान को बीए इकोनॉमिक्स करनी है ना, तो सिर्फ जनरल टेस्ट यहाँ पर वैलिड है, उसके लिए कुछ और वैलिड नहीं है, आप आराम से इस यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट के बेसिस पर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बीए तमिल या बीए इंग्लिश, बीए म्यूजिक, बीए साइकोलॉजी सब में आपका जनरल टेस्ट है। बीकॉम की बात करेंगे, बीकॉम की बात करूंगी तो यहाँ पे कॉमर्स अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमर्स अकाउंटेंसी विद बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स, तो इसके बेसिस पर आपका यहाँ एडमिशन होगा। बीबीए टूरिज्म करना है तो सिर्फ जनरल टेस्ट अप्लाइड है, जिसने जनरल टेस्ट में बढ़िया मार्क्स लाए ना वो यहाँ पर एलिजिबल, अगर पेपर दिया है जनरल टेस्ट का तो इस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे बीएससी फिजिकल एजुकेशन, उसमें भी जनरल टेस्ट है, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब में यहाँ पर जनरल टेस्ट है। तो ये सीयूटी यूजी का जो जिसने पेपर दिया है ना, उसमें जो वेरियस वेरियस आपने सब्जेक्ट्स रखे थे जिसे पेपर दिया है, लाइक स्लॉट वन स्लॉट टू में, तो उसमें जनरल टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि जनरल टेस्ट किन किन कोर्सेज के लिए वैलिड है और बाकी जो अदर चीजें हैं वो भी किन किन कोर्सेज के लिए वैलिड है, आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली। अगर हम यहाँ पर इसके प्लेसमेंट्स की बात करें, फी स्ट्रक्चर की भी बात कर ली है मैंने यहाँ पर, अगर इसके प्लेसमेंट्स की बात करें बेटा, ये 4.2 बहुत अच्छी रैंकिंग है इसकी, इस ये जो ये यूनिवर्सिटी है ना, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, 4.2 रैंकिंग, आप आराम से इस पर ट्रस्ट करके, आई मीन ट्रस्ट का करना यार, 4.2 इसकी रैंकिंग है, इसमें यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे हैं, बहुत लोग वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट में यहाँ पर गए हैं, ठीक है। सो प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड हियर, ठीक है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो पैकेज ऑफर्ड है
वो आपका 3.5, 4.5, 5.5, विच इज अ वेरी डिसेंट पैकेज इन दी स्टार्टिंग, यू नो आप आराम से यहाँ से यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर दी होम साइंस, यू नो फॉर दी वुमेन एंड दी हायर एजुकेशन फॉर दी वुमेन्स. ठीक है, बिल्कुल. सो आई होप क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताइए. हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है मैम इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है. बेटा अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन. ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है जो कि 1957 में इसका गठन हुआ. राइट, क्लियर बात है. चलिए अब मैं थोड़ा सा आपके कमेंट्स लूंगी जो आप यहाँ पर पूछे जा रहे हो. ठीक है, सो ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपके लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटी थी. आई होप यू लाइक दी सेशन, और यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है. आगे भी हम ऐसी यूनिवर्सिटी लेकर आएंगे जिसमें आपको आपको भी अवेयरनेस बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं. दिस इज ऑल्सो दी गुड यूनिवर्सिटी. क्लियर बात है. थोड़ा सा कॉमेंट्स ले लेते हैं. मुस्कान सिंह, बेटा ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है. ठीक है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है. आदि दिनेश जंगल, मैम कहाँ है ये. बेटा तमिलनाडु कॉम्बिटोर में है, बहुत सुंदर इलाका है भाई, बहुत सुंदर रीजन है, वहीं पर है ये यूनिवर्सिटी. ठीक है, क्या हो गया प्रज्ञा कुमारी, व्हाट हैज हैपेंड. बेटा क्या हो गया है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ मुझे. क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए यार, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो यार, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं. ठीक है, सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को यहां पर ले लिए हो. क्या हो गया बेटा प्रज्ञा, बेटा ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस. हमारी CUT 2023 की बैचेस स्टार्ट होने वाली है. आपको पता है 2022 में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, 100% यहाँ पे 100% काफी सब्जेक्ट्स में सारे लोगों में आए. हम लोग ने काफी ज्यादा सिलेक्शन 50,000 प्लस हमने सिलेक्शन यहाँ पर दिए हैं गाइज. आप लोग को पता है या नहीं बट आप अपने सीनियर से पूछेगा, दे हैव रियली वर्कड हार्ड एंड गिव आउट देयर बेस्ट. राइट, CUT 2023 की क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं. आपकी जो भी पेड क्लासेस है वो आपका 1 वीक के अंदर आपके स्टार्ट हो जाएंगे. फटाफट से जाके Under 24/7 के स्टोर को आप विजिट करिएगा, वहां पे पुरानी बैचेस यहाँ पे दी है, नई बैचेस आपकी लॉन्च हो रही है जिसकी लॉन्चिंग कल है 4 तारीख को. ठीक है, सो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको हमारे साथ. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे. एक चीज और याद रखिएगा, ये जो कूपन कोड है ना Y455, CUT 2023 की आप तैयारी आगे करेंगे. ठीक है, CUT 2023 की आप तैयारी आगे करेंगे और बैचेस वगैरह भी लॉन्च हो चुके हैं. ये कोड लिख लीजिएगा किसी कॉपी में, अपने मोबाइल में कहीं पे भी आप नोट करिएगा Y455. इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. बेटा सर नहीं मैम, SV यूनिट. मैम मैं सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैंने BA ऑनर्स हिंदी पत्रिका 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के लिए CUT दिया था, बट मुझे कन्फ्यूजन है कि किस सीरियल अकॉर्डिंग कॉलेज लगाऊँ प्लीज. बेटा आप हमारी क्लासेस को देखिएगा जो हमारी कल कॉलेज वरुण सर ने ली थी, आप उस चीज़ को देखिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, प्रीवियस वन. ठीक है, चलिए बाकी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा फिर से, अगर आपको नहीं मिला आप कमेंट में कर दीजिएगा, वी विल बी ब्रिंगिंग आउट द सेशन फॉर यू, पर्टिकुलर सेशन हम लेकर आएंगे इसके लिए, डोंट वरी. ठीक है, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू लाइक दी सेशन. सेशन को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप से, बिकॉज अवेयरनेस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू अदर्स. राइट, सो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद.